80 दिन में जो है आपने देखा होगा लगभग 9,500 सब इंस्पेक्टर के पद भरे गए हैं, जिसमें 1,800 जो है महिलाएं हैं, और साथ ही साथ लगभग 500 हमारे मृत आश्रित जो भर्ती किए गए हैं, कुल 10,000 का लक्ष्य पूरा हो गया। अब 40,000 पदों पर जो है द्वितीय सप्ताह जुलाई में ये चालू हो जाएगा। 40,000 पदों को भरने के लिए हम निर्देश आज भर्ती बोर्ड को दे रहे हैं, और लगभग सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जो है हम लोग यूपी पुलिस में जहां जहां भी रिक्त पद है उनको भरे। सर, 40,000 पद की भर्ती हो रही है, आप लोगों ने महिलाओं पर सशक्तिकरण पर भी काफी फोकस किया है, तो युवक और युवतियां दोनों के लिए बड़ा अवसर देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर सब इंस्पेक्टर की आप भर्ती देखें तो 80,000 जो भर्तियां हैं वो 25 वर्ष की उम्र तक के लोगों को मिली है, 80% जो है करीब भर्तियां, तो 80% भर्तियां जहां 25 साल तक के युवक युवतियों को मिली है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अच्छे मेधावी छात्र जल्दी जो है अपना जो है कोर्स करके अपना कॉलेज में और इंजीनियरिंग और बीएससी बीकॉम करके आ रहे हैं, ये यूपी पुलिस के लिए बहुत अच्छा साइन है। सर, चूंकि आपके अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते, कहा जा रहा है कि जेल पुलिस, कारागार, यूपी पुलिस, होमगार्ड, सब जगह भर्ती होने वाली, क्योंकि 4-5 साल में लगभग कहा जा रहा है 4 लाख रोजगार देने जा रही सरकार। जी बिल्कुल, ये जो लक्ष्य 40,000 का पुलिस का है ये समय क्या पहले ही समय के पूरा होगा और पारदर्शी रूप से इसको हम पूरा करेंगे। सर, इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक थी, आपने स्थानांतरण पॉलिसी को भी लागू कर दिया, और भर्तियां सर आने वाले समय में आने वाली, क्योंकि सीएम लगातार इसको लेकर एक्टिव है, आप भी एक्टिव, आपको जिम्मेदारी भी दी गई है कि सभी विभागों से कंपाइल करके उसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, हम लोग केवल इतना कहेंगे कि जहां भी भर्तियां हैं वो पारदर्शी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हो, ज्यादा से ज्यादा भर्ती होगी और यूपी में जिन विभागों में पद रिक्त है उनको भरा जाएगा। हम गृह विभाग के लिए कह सकते हैं, जेल के लिए कह सकते हैं, फायर डिपार्टमेंट के लिए कह सकते हैं, इनमें जो है कहीं भी हम रिक्त पद नहीं रखेंगे। बहुत सालों बाद जेल विभाग में जो है काफी बड़े मात्रा में जेल वार्डर्स की भर्ती हुई है, बहुत सालों बाद फायर डिपार्टमेंट में फायरमैन की भर्ती हुई है, तो इन दो विभागों को तो विशेष लाभ मिला है, यूपी पुलिस को तो लाभ मिला ही है। लेकिन सर, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी, भर्ती किसी विभाग में हो, एसटीएफ, एटीएस, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया को खलल डालते उन पर भी निगाह होगी। जी बिल्कुल, अभी कल परसों ही जो है आपने देखा होगा कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब और उनके सचिव साहब ने हम लोगों से अनुरोध किया था, तो गृह विभाग ने मॉनिटर भी किया।